बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम शारिस मॉम किचन में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन वेजिटेबल सूप, और इसमें मैं कॉर्न का भी इस्तेमाल करूँगी। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है, एक मैंने पीस लिया है ब्रेस्ट का, जिसमें मैंने कट्स लगा ली, और साथ में मैंने लिए हैं दो इस तरह से विंग्स। विंग्स के साथ ये है कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हड्डी वाला गोश्त जो होता है सूप को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और मैंने कुछ इसमें वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें हाफ कप है गाजर, हाफ कप कैप्सिकम है, हाफ कप मैंने कैबेज लिया है, और मैंने ग्रीन अनियन का ये ग्रीन वाला पार्ट लिया है, और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें है कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें है नमक, और मैंने कॉर्न को लिया जिसे मैंने बॉईल कर लिया, 2 अंडे हैं, और इसमें जाएगा सोया सॉस, चिली सॉस और साथ में सिरका। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 4 से 5 कप मैंने एक पानी लिया कढ़ाई में, और इसमें मैं डाल दूंगी ये चिकन को, और इसके साथ मैं डालूंगी 1 बड़ी इलायची जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, और इसमें 1/2 टीस्पून जाएगा नमक, और इसे मैं तकरीबन बॉईल करूंगी जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून के करीब सिरका भी डालूंगी, सिरका जो है वो चिकन को जल्दी टेंडर करेगा। कवर करके इसे मैं 10 से 15 मिनट बॉईल करूंगी। तो ये मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम किया हुआ है, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो ये चिकन जो है वो कुक हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी इस तरह से, और इसके अब मैं रेशे रेशे करूंगी। तो जब तक मैं चिकन के रेशे करती हूँ, तो ये मैं वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर दूंगी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और इसमें गाजर जाएगी, और साथ में मैं इसके शामिल कर दूंगी कॉर्न, 1/2 टीस्पून मैंने नमक पहले डाला था, अब तकरीबन 1/2 टीस्पून ही मैं और डालूंगी, और काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, और इसे जस्ट 3 से 4 मिनट कुक करना, ओवर कुक नहीं करना। चम्मच के साथ इसे मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी। चिकन के मैंने इस तरह से रेशे कर लिए हैं, और अब वेजिटेबल्स भी हमारी कुक हो रही हैं। अब मैं डाल दूंगी इसमें 2 टेबल के करीब इसमें जाएगी चिली सॉस, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी सोया सॉस, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 1 टेबल स्पून जाएगा सिरका, सिरका पहले भी डाला था, और इसमें जाएगा अब ये चिकन जिसके रेशे किए हुए थे। अब ये 4 मैंने लिए हैं टेबल स्पून पानी, और इन 4 टेबल स्पून में 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर को डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है, और अब मैं इसमें ये वाला कॉर्नफ्लोर वाला घोल डाल दूंगी, और ये साथ साथ ठीक होता जाएगा, और बहुत मज़े का बनता है। और जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरिस मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। तो ये देखें, मैंने सारा भी इस तरह से डाल दिया है, और ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब मैं एंड पे डालूंगी इसमें ये हरा प्याज, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चले जी, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है, और ये 2 अंडे जो मैंने लिए थे मैंने फेंट लिए, अब इन अंडों को मैं डालूंगी, और साथ साथ मैं हलाती जाऊंगी। माशाल्लाह से जी, बहुत अच्छा और मज़ेदार खुशबूदार हमारा ये चिकन वेजिटेबल सूप तैयार हो गया है। सूप रेडी है, इसे मैं सूप को करूंगी डिश आउट। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत मज़े का बना है। चिकन चाइनीज सूप हमारा रेडी है, बहुत मज़ेदार बना है। तो आप भी प्लीज़ इसको ट्राई करें, और मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।